हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज मैं बाइबल के कुछ ऐसे वचन आपको बीच में लेके आया हूँ जिसे आप निरंतर प्रार्थना में आप जब शामिल करेंगे और आप इन वचनों को बोल करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आपका गुनाह कितनों भी बड़ा क्यों ना हो, आपका अपराध कितनों भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर आपको गुनाहों को और आपको अपराधों को क्षमा करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के भक्त जो दाऊद हैं उन्होंने अपने गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख उन्होंने मान लिया, उनके सम्मुख रखा और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया और उन्हें जो हर एक अपराधों से मुक्त किया। तो दोस्तों आज मैं ऐसे वचन को आपको बीच में देने जा रहा हूँ जैसा कि बहुत से भाई बहनों को मन में हमेशा है जे सोच आते रहता है कि मैं तो इतना बड़ा गुनाह किया हूँ, मेरे अपराध कैसे क्षमा होंगे, मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे। तो प्रियो आप घबराएं नहीं, आप हताश और निराश ना होएं, क्योंकि परमेश्वर आपके कितनों भी बड़ा गुनाह क्यों ना होगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तुम्हारा अपराध लाल रंग का क्यों न हो, उसे परमेश्वर हिम की तरह सफ़ेद कर देंगे, उसे परमेश्वर शुद्ध और पवित्र आपको करने वाला परमेश्वर है। तो प्रियो आप विश्वास के साथ इन वचनों को अपनी प्रार्थना में शामिल करें और परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर से अपने अपराधों और गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें। तो जो आज मैं आप सबों को भजन संहिता 51 अध्याय के कुछ वचनों को आप सबके बीच में मैं रखने वाला हूँ, जैसा कि पहला वचन कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, परमेश्वर ही है जो आपको है जे भली भांति धो करके आपके अधर्मों को शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है, आपके अपराधों को मिटाने वाला है, आपके अपराधों को और पापों को क्षमा करने वाला है। इसलिए परमेश्वर के भक्त वो वहाँ पे दाऊद हैं जे परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके और उनसे अपनी सारे और गुनाहों और अपराधों को वो है जे क्षमा मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। वैसे ही हम लोगों को भी कितनों भी बड़ा अपराध और गुनाह क्यों न किया है, परमेश्वर के चरणों में बैठें और उनसे कहें, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर। ऐसी तरह से इन वचनों को बोल करके परमेश्वर से अपने गुनाहों, अपने अपराधों को, अपने पापों के लिए क्षमा मांगें। निश्चय है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके गुनाह और अपराध को क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे और आपको अधर्म को दूर करेंगे और आपके पापों को है जे वो दूर करेंगे और आपको मन को शुद्ध करेंगे। जैसा कि तीसरी आयत कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आज आप सब भी जो भी गुनाह और पाप करते हैं ना, वो सबको मालूम रहता है, चाहे कितनों भी हम उसे इग्नोर करें, लेकिन आत्मा में आत्मा से बातचीत करते रहता है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, आपने इतना बड़ा गुनाह किया है। तो यहाँ दाऊद जो परमेश्वर के भक्त हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जो भी अपराध किया है वो मैं जानता हूँ और मेरा जो पाप है निरंतर मेरे सामने है जे वो है जे दिखाई देते रहता है, मेरी दृष्टि में है जे बना रहता है। वैसे ही प्रियो, आज आपका भी जो भी गुनाह आपने किया है वो आपके इर्द गिर्द है जे वो है जे आपको दृष्टि में बना रहता है, आपके सामने निरंतर वो बना रहता है। तो उसको खोल करके परमेश्वर के सम्मुख आप रखें, परमेश्वर से क्षमा मांगें, परमेश्वर से माफ़ी मांगें, परमेश्वर निश्चय है जे आपको पापों को गुनाहों को क्षमा करेंगे। जैसा कि अगला आयत कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम सब जब भी प्रार्थना करें आप भी, तो इन वचनों के द्वारा है जे आप भी कहें,
कहें कि प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मैंने आपके खिलाफ में होकर के काम किया है। जो भी प्रियो आपने काम किया है उस कामों को परमेश्वर के सम्मुख रखें और कहें कि परमेश्वर पिता मैंने आपके विरुद्ध में होकर के ये पाप किया है, आप प्रभु मुझे माफ़ करें, आप क्षमा करें, क्योंकि जो भी मैंने पाप किया है परमेश्वर पिता वो आप जानते हैं। क्योंकि प्रभु आप इसलिए है जे हमारे पापों गुनाहों को और मेरे बुराइयों को जानते हैं, क्योंकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में तू निष्कलंक है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो इन चार वचनों को आप अपनी प्रार्थना में शामिल करें और आप परमेश्वर से क्षमा मांगें। चाहे कितनों भी बड़ा गुनाह अपराध और पाप आपने क्यों न किया हो, परमेश्वर आपको निश्चय है जो आपको माफ़ करेंगे, वो क्षमा करेंगे। जैसा कि एक वचन मैं आप लोगों को बीच में और रखना चाहता हूँ, इमरिया 17:10 कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। तो प्रियो अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लें, अपने गुनाहों को स्वीकार करें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा मन को खोजता हूँ। आपके मन को परमेश्वर खोज रहे हैं, यहोवा खुदा बाप आपको मन को है जे खोज रहे हैं। जैसा कि आगे को कहते हैं कि और हृदय को जांचता हूँ, आपके हृदय को भी परमेश्वर जांच रहे हैं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसका फल दूँ। मेरे प्रियो आप और हम सब जानते हैं कि जो भी हम करते हैं आप करते हैं परमेश्वर उसे जानता है, और प्रत्येक जन को प्रत्येक व्यक्ति को उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल मिलता है। तो प्रियो आप जो ही प्रार्थना में बैठें, आप इन 5 वचनों को आप है जे बोल बोल के प्रार्थना में आप शामिल करें। आपको लगता है कि मेरा गुनाह अब तक माफ़ नहीं हुआ है, निश्चय आप विश्वास करें प्रियो, आपको कितनों भी बड़ा गुनाह क्यों न हो, कितनों भी आपने बड़ा पाप क्यों न किया हो, परमेश्वर आपको निश्चय अपने वचन के द्वारा आपको क्षमा करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सेनाओं का यहोवा परमपिता परमेश्वर पापा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम आपके पवित्र चरणों तले आते हैं। उन भाई बहनों को भी लेके आते हैं पिता जो इस वीडियो को देखते हैं और इन वचनों को सुनते हैं। मेरे सेनाओं का यहोवा परमपिता परमेश्वर पापा, हम सारे भाइयों और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रद्धा से विश्वास से और आपके पास भरोसा के साथ पिता इन वचनों के साथ प्रार्थना में बैठते हैं पिता, उनके चाहे कितनों भी बड़ा गुनाह और अपराध क्यों न हो, खुदा बाप आप अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें क्षमा कर दें और पिता उन्हें नया मन दें और उनको हृदय को पिता परमेश्वर आप है जे बदल दें, ताकि पिता वो गुनाह जो उन्होंने किया है उस गुनाहों से वो छुटकारा पा सके, उससे मुक्ति पा सके और उनका उद्धार हो सके। प्रभु जी इस वचन को जो भी सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में नया काम कीजिए, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, और प्रत्येक जन को पिता आप उसके कामों के अनुसार उसको फल देने वाला परमेश्वर आप ऐसा कहते हैं। पिता हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं उनके घर परिवार में प्रभु आप आशीषमय करें, उनके घर परिवार में सुख शांति और उनके घर परिवार में खुशहाली लाएं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना अपनी सुना विश्वास करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो प्रियो मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे वीडियो को देखा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।